एसपी9 न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सांसद राहुल गांधी शनिवार को पदयात्रा कर अमेठी पहुंचे और जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साड़ी और कंबल का लोभ देकर अमेठी की कांग्रेस रैली में भीड़ जुटाने का आरोप लगाया, जिसके बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने जवाबी वीडियो शेयर कर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रैली में आई महिलाओं का वीडियो शेयर कर कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। शेयर किए गए वीडियो में एक महिला किसी व्यक्ति के द्वारा पूछे जाने पर कहती हुई दिखाई दे रही है कि उन्होंने कहा कि साड़ी और कंबल देंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। वीडियो में एक और महिला यह भी कहती हुई दिखाई दे रही है कि क्या मिला, 2 रुपए कुत्ता वाला बिस्कुट फेंक रहे हैं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि भीड़ जुटाने के लिए किया साड़ी कंबल का वादा पूरा नहीं किया, युवराज ने दुखद। स्मृति ईरानी के द्वारा वीडियो ट्वीट कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधे जाने के बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीनिवास ने भी जवाबी हमला बोला। श्रीनिवास ने भी ट्विटर पर अमेठी की रैली का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें महिलाएं लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला कटआउट लेकर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीवी निवास ने लिखा कि अगली बार कभी अमेठी चाट पकौड़ी खाने या लस्सी पीने जाए तो ऐसे हजारों चेहरों से पूछेगा जरूर क्या गांधी परिवार से कोई आया था। अमेठी में आयोजित रैली के दौरान दोनों भाई बहन ने भाजपा प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू की भावना अंदर से पैदा होती है, निडरता से पैदा होती है। जिसके दिल में डर होगा वो हिंदू हो ही नहीं सकता। हिंदू सबके गले लगता है, हिंदू कभी किसी से झूठ नहीं बोल सकता। हिंदुत्ववादी अकेला गंगा में स्नान करता है और हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। एक तरफ सच्चाई है और दूसरी तरफ झूठ है, एक तरफ प्यार तो दूसरी तरफ नफरत है, एक तरफ अहिंसा तो दूसरी तरफ हिंसा है। वही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पिछले चुनाव में यहाँ झूठ का जाल फैलाया गया। यह जाल उन्हीं लोगों ने फैलाया जो पिछले 7.5 सालों से पूरे देश में झूठ का जाल फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा तो यहाँ के लोग अन्य प्रदेशों में फंसे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। तब कहाँ गए अब थी यहाँ की सांसद, तब कहाँ थी भाजपा सरकार। जब भाजपा अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही, कांग्रेस पार्टी ने मदद करने की कोशिश की, तब हमने बसें खड़ी की, उन्हें ठुकरा दिया गया, उन्हें आने नहीं दिया गया। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए एसपीएन9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।